आज की जो वैकेंसी है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से निकल के आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर टेकिंग में है। यहाँ पर डिप्लोमा, बी बीटेक, आईटीआई, ट्वेल्थ ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसी है। इसमें सैलरी आपको काफी अच्छा खासा पे किया जाएगा, बिल्कुल ही लेटेस्ट एंड ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। ऑल इंडिया का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट इसमें सभी ब्रांच के लिए वैकेंसी है। इस चैनल के माध्यम से टेक्निकल फील्ड में आने वाली सभी जॉब अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस न करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले एंड प्रीमियम जॉब अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि कभी कभी किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो उसका डायरेक्टली अपडेट मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूं। तो चलिए हम इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर बात करते हैं। ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो बिल्कुल ही लेटेस्ट में जारी किया गया है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ, आप अपने हिसाब से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ब्यौरा दिया हुआ है, सारा कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। इसमें कई सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जिसमें आपका सैलरी लेवल 6 का रहने वाला, जिसका बेसिक पे 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जाने वाला है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं 13 मेंशन किया हुआ है। एज यहाँ पर देख सकते हैं 18 से 27 साल तक रखा गया। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए देख सकते हैं, इसमें भी आपको लेवल 6 का सैलरी मेंशन किया और टोटल नंबर ऑफ 1 वैकेंसी रखा गया है। इसमें भी एज मेंशन किया हो, एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स रहने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं ड्राफ्ट मैन ग्रेड 3 में, जिसमें लेवल 4 का सैलरी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ 6 वैकेंसी है, यहाँ पर एज मेंशन किया हुआ है। अपर डिवीजन क्लर्क, इसमें भी आपको लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, टोटल नंबर इसका 7 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में देख सकते हैं लेवल 4 का सैलरी रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ 9 वैकेंसी रहने वाला है। LDC का यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें लेवल 2 का सैलरी दिया गया, इसमें टोटल नंबर ऑफ 4 वैकेंसी रखा गया है। सारा कुछ यहाँ पर डिटेल से मेंशन किया देख सकते हैं। दी वैकेंसीज आर टेंटेटिव इन नेचर एंड मे डिक्रीज और इंक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये वैकेंसी डिक्रीज और इंक्रीज भी हो सकता है, यहाँ पर सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। इसका एजुकेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए एसेंशियल में मेंशन किया हुआ है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। डिजायरेबल में दिया गया कि डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें एसेंशियल की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। यदि किन्हीं के पास बीटेक या एमटेक जो भी है तो उनको भी इसमें एलिजिबल किया गया है, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन कैश अकाउंट इन गवर्नमेंट ऑफिस PSU ऑटोनॉमस बॉडी सेचुरिटी बॉडी, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया है। इसका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 में देख सकते हैं ITI सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट शिप सिविल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी UDC का वैकेंसी मेंशन किया और डिग्री आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर डिजायरेबल नॉलेज मेंशन किया हुआ है कि आपके पास ये सारे होना चाहिए, यदि नहीं है तो फिर भी आप इसमें एलिजिबल हैं। जो इसेंशियल रहता है उसको आपको फुलफिल करना रहता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर में देख सकते हैं 12th पास रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कंप्यूटर का स्किल मांगा गया है। उसके बाद फर्दर आप देख सकते हैं LDC का वैकेंसी रखा गया है, जिसमें 12th पास होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग देख सकते हैं 35 WPM इंग्लिश में एंड 30 WPM हिंदी में मांगा गया है। डिजायरेबल को यहाँ पर मेंशन किया और यदि आपके पास नहीं भी है तो फिर भी यार आप इसमें एलिजिबल रहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया हुआ है, स्टार्टिंग इसका 18th March से रखा गया। इस वैकेंसी को मैं अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया था, जो उनसे जुड़े हुए उनको बेनिफिट मिल गया होगा। एंड इसके एप्लीकेशन का लास्ट डेट 17 अप्रैल रखा गया, तो इससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटेन एग्जाम और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन वेबसाइट, फर्दर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी रखा गया है। जनरल एंड OBC की बात के यहाँ पर देख सकते हैं 890 और प्लस में आपको GST एंड बैंक का चार्जेस पे करना है। एंड अदर कैटेगरी का यहाँ पर देख सकते हैं 550 प्लस में आपको GST एंड बैंक चार्ज मेंशन किया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल्स मिल जाएगा, अपने हिसाब से इसको रीड कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी इसमें मेंशन किया हुआ है, सारा कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं, दिस सिलेक्शन विल बी मेड इन फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में आपका रिटेन टेस्ट 100 क्वेश्चन 19 मिनट का होगा, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहने वाला, जहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल से मेंशन किया हुआ है। और सेकेंड स्टेज में बात करें तो आपका हो सकता है तो CBT भी लिया जा सकता है या आपका
स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अप्लाई करने के प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर डायरेक्टली दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो जो भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट है फर्दर आप अप्लाई करिए। टेक्निकल फील्ड में कोई सा वैकेंसी आता है मैं उसको मिस नहीं करता हूँ। यदि आप भी चाहते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस न करें तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें एंड बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए ताकि आपका कोई सा भी नेक्स्ट वैकेंसी मिस ना हो।